हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मेडिकल सेंसे। आज का अपना टॉपिक है द 5 A's बिहेवियर चेंज मॉडल। अभी ये जो एटकॉम का क्वेश्चन है वो कम चांसेस में आने का पर आ भी सकता है, सो बस अपने को पता होना चाहिए कि ये क्या है। इन शॉर्ट में मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना हो सके उतने लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइएगा। उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और भी ऐसे अच्छे वीडियोस बनाने को। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, द 5 A's बिहेवियर चेंज मॉडल। अभी ये जो एक मॉडल है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग पेशेंट एक्शन प्लान। पेशेंट के लिए एक एक्शन प्लान प्रोवाइड करने के लिए है मॉडल एट ईच लेवल। टोटल 5 levels ऑफ कम्युनिकेशन हम समझते हैं। उस हर एक लेवल में पेशेंट एक्शन प्लान क्या होगा, क्या प्रोवाइड करेंगे, वो इस मॉडल पे डिपेंड करता है। सो, अभी देखते हैं पहले 5 levels कौन से हैं। सबसे पहला है असेसिंग द पेशेंट, दैट एक उसके सभी जो एस्पेक्ट्स है वो कंसिडर करने हैं, पूरा हिस्ट्री बिस्ट्री सब कुछ, फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, सब कुछ असेस करना है। फिर आता है एडवाइजिंग द पेशेंट, पेशेंट को रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। फिर एग्रीइंग विद द पेशेंट, कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। फिर आता है असिस्टिंग द पेशेंट, जो पेशेंट के बैरियर्स होंगे उसको वो ओवरकम करने में उसको हेल्प करना है। फिर अरेंजिंग फॉर द पेशेंट, उसमें आता है शेड्यूल एंड फॉलोअप कि पेशेंट के अच्छा हुआ है कि नहीं। फिर द पेशेंट एक्शन प्लान जो होता है ना, उसमें क्या क्या होता है, स्पेसिफिक गोल्स, स्ट्रैटेजीज, एड्रेसिंग द बैरियर्स, जो बैरियर्स होंगे पेशेंट को उसके लिए स्पेसिफिक गोल्स और स्ट्रैटेजीज होंगे एक्शन प्लान में। एक अच्छा फॉलोअप प्लान होगा, सोशल सपोर्ट, ये सब चीज़ें उसमें होंगी। सो, यही था द 5 A's बिहेवियर चेंज मॉडल। इतना अपने को बस पता होना चाहिए, रेयर चांसेस है आने का, पर अगर आता है तो बस इतना लिख देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड जितना हो सके उतने लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।